नमस्कार दोस्तों, बीट द ट्रेड आपके अपने चैनल में मैं रोहित आप सभी का दोबारा एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा, आज के वीडियो में कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ में करूँगा और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों, आप में से कई लोग जो इस वीडियो को हमारे इस वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, यहाँ पर मैं हम लोग आपको कुछ स्टॉक्स बताते हैं और उसके साथ साथ में एक छोटी सी टिप आपको देते हैं। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के साथ में बातचीत करूँगा, सो हो सकता है आप में से कई सारे लोग दूसरे भी YouTube चैनल फॉलो करते हैं, कई लोग उसमें से कई लोगों का कोर्स करना चाहते हैं, कई लोग उसमें से कई लोगों के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके काम करना चाहते हैं, राइट। दोस्तों, हम मैं आप लोगों को बता दूं, ये लॉकडाउन देखते हुए जिस तरीके का ये लॉकडाउन चल रहा है अभी, दोस्तों हम लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप के सर्विसेज को बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ से आगे क्या होगा कि मान के चले, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के संदर्भ में अगर आपका कोई अगर सवाल है, कोई अगर आपका सवाल है तो आपका सवाल वहाँ पर मैं हमसे पूछ सकते हो। होता क्या है दोस्तों, आप में से कई सारे लोग अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल शेयर करें नीचे कमेंट में जा करके। आप में से कई लोगों ने कोर्स लिया हुआ होता है किसी ट्रेनर के पास से, और जब आप कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने से पहले तो आपके साथ में काफ़ी सारी ढेर सारी बातचीत की जाती है। लेकिन जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, आपके सवालों के जवाब वहाँ पर में नहीं दिए जाते, आपके क्वेरीज को वहाँ पर में सॉर्ट आउट नहीं किया जाता और आपको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, ये हमारे पास में नहीं होगा। हम लोग हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में, आपने किसी का भी कोर्स किया हो और अगर आपको अगर कोई सवाल अगर आपको सता रहा है, ट्रेडिंग करने में कोई दिक्कत अगर आ रही है, तो आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ कर डायरेक्टली हमसे वो सवाल पूछ सकते हो। पिछले 12 साल के अनुभव के साथ में आप लोगों को उसका एक अच्छा जवाब मिलेगा जिसको आप प्रैक्टिस कर सके। कई सारे लोग देखते हैं कि यार स्टॉक्स निकाल तो मैं बहुत अच्छे से पा रहा हूँ, लेकिन उसमें एक्चुअल मुझे ट्रेड नहीं लेना रहा, इसका मतलब आपका एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम है। अगर आप ढंग से स्टॉक्स ही नहीं निकाल पा रहे हो, इसका मतलब आपके टेक्निकल लेवल के ऊपर प्रॉब्लम है। आपके जितने भी प्रॉब्लम रहेंगे, वो सारे के सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाएंगे। दोस्तों, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। आपको करना क्या है, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, अलाइस ब्लू अकाउंट ओपन बाय क्लिकिंग बिलो लिंक, इस लिंक के ऊपर में क्लिक करेंगे। किस तरीके का पेज आप लोगों के सामने ओपन होगा दोस्तों, यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, स्टेट को सेलेक्ट करके ओपन एन अकाउंट के ऊपर में आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे आप ओपन एन अकाउंट के ऊपर में क्लिक करेंगे दोस्तों, एक 6 स्टेप का प्रोसीजर रहेगा, ₹500 आपका चार्जेस रहेंगे अकाउंट ओपन करने के। आप लोग का अकाउंट अलाइस ब्लू में ओपन हो जाएगा, आपको ट्रेडिंग भी यहाँ से आएगा, अलाइस ब्लू में ही करनी है दोस्तों। अलाइस ब्लू में ट्रेडिंग करनी है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अलाइस ब्लू आज के पीरियड में एंटायर इंडिया में एक ऐसी कंपनी दोस्तों जो कि हाईएस्ट मार्जिन आपको दे रही है। कैसे जाएंगे, कैसे पता लाएंगे, अलाइस ब्लू ऑनलाइन .com पर जाइए, टूल्स पर जाइए, मार्जिन कैलकुलेटर पर आप जाइए। मार्जिन कैलकुलेटर पर जाने के बाद में RMS लाइव अपडेट्स के ऊपर में आप लोग जाइए। यहाँ पर मैं अगर आप देखेंगे तो क्रूड ऑयल का कवर ऑर्डर आज 15 टाइम्स यहाँ पर में मिल रहा है एंटायर इंडिया में, और कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, 20 टाइम्स ब्रैकेट ऑर्डर में मिल रहा है। और अगर आप देखेंगे निफ्टी का एक लॉट ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर में कितने में मिलता है, तो आप देखेंगे बैंक निफ्टी का एक लॉट ₹5,250 में, निफ्टी का एक लॉट ₹7,000 में। दोस्तों, ये एंटायर इंडिया में हाईएस्ट मार्जिन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, हमसे ज़्यादा मार्जिन आज के पीरियड में कोई भी नहीं देता। और अगर आप फ्रेशर हो, राइट, अगर आप नए हो, तो आप ज़्यादा पैसा डाल कर ट्रेडिंग करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपने कम से कम पैसा डालना चाहिए, 20-25-30 हज़ार रुपये डालिए और ट्रेडिंग की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से आप हो जाएंगे परफेक्ट, प्रैक्टिस करने से आपके जो वीक पॉइंट्स है वो आपके पॉजिटिव पॉइंट में बदलेंगे। प्रैक्टिस करने से आपको कई सारा बेनिफिट्स और मिलेगा, और प्रैक्टिस करते समय पर अगर आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत अगर आती है, तो आप हमसे हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। वैसे मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग 2 स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, वो ऑलरेडी हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर में सिखाई हुई है, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करते समय कौन सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, वो दिक्कतों का सामना करते समय हम लोग आपके साथ में रहेंगे, आपको प्रैक्टिकल सोल्यूशन वहाँ पर मिल जाएंगे, आपको कहीं पर भी और जाने की जरूरत नहीं। दोस्तों, आइए हम लोग ये जान लेते हैं कल कौन से स्टॉक्स अपने रेडार के ऊपर में रखने हैं, कल यानी कि आने वाले मंडे के दिन कौन से स्टॉक्स आपको अपने रेडार के ऊपर में रखने हैं। हमारा जो पहला स्टॉक है दोस्तों, वो अमराजा बैटरी। अमराजा बैटरी को हम लोग बाय करेंगे। अगर मान के चलिए अमराजा बैटरी कल 547 के लेवल को टच करता है, तो 544 के स्टॉप लॉस के साथ 553 के टारगेट के लिए। अगर कल अमर राजा बैटरी को मान के चले 540 के लेवल को टच करता है, हम लोग अमर राजा बैटरी को सेल करेंगे, स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे इस केस में 543 का, और जो टारगेट रखेंगे वो रखेंगे 536 का। हमारा जो दूसरा स्टॉक रहेगा दोस्तों, वो रहेगा कोलपाल। कोलपाल को हम लोग बाय करेंगे 1370 के ऊपर में, स्टॉप लॉस रहेगा 1365 का, टारगेट रहेगा 1380 का। कोलपाल अगर कल मान के चले 1350 के लेवल को पहले टच करता है, तो हम लोग कोलपाल को करेंगे सेल, स्टॉप लॉस रहेगा 1365 का, टारगेट रहेगा 1340 का।
हमारा जो तीसरा स्टॉक रहेगा दोस्तों वो रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प को हम लोग बाय करेंगे 1970 की लेवल को। अगर कल कभी हीरो मोटोकॉर्प टच करता है तो स्टॉप लॉस रहेगा 1960 का, टारगेट रहेगा 1990 का। हीरो मोटोकॉर्प अगर कल कभी 1955 की लेवल को टच करता है तो हम लोग हीरो मोटोकॉर्प को करेंगे सेल। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 1965 का, टारगेट रहेगा 1935 का। हमारा जो चौथा स्टॉक रहेगा दोस्तों वो रहेगा आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक को हम लोग सेल करेंगे 117.50 के नीचे, 119 के स्टॉप लॉस के साथ और 114 के टारगेट के लिए। अगर कल आरबीएल बैंक 120 के लेवल को टच करता है तो हम लोग करेंगे आरबीएल बैंक को बाय। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 118.50, टारगेट हमारा रहेगा 123 का। जो हमारा आखिरी स्टॉक रहेगा दोस्तों वो रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील को हम लोग बाय करेंगे अगर मान के चलिए कल टाटा स्टील 275 के लेवल को टच करता है तो, 273 के स्टॉप लॉस और 280 के टारगेट के लिए। टाटा स्टील अगर कल कभी 270 के लेवल को टच करता है हम लोग टाटा स्टील को करेंगे सेल 272 के स्टॉप लॉस के साथ और 266 के टारगेट के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे दोबारा मुलाकात होगी 11 तारीख के दिन। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।